हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कूलिंग टावर बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर फ्लो एंड बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जैसे कोई भी केमिकल इंडस्ट्री रहती है, उसमें केमिकल प्रोसेस में काफ़ी सारी प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट को कूल डाउन करने के लिए पानी की मदद से हीट ट्रांसफ़र रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, और पानी थोड़ा हीट होता है और उसको वापस कूल डाउन करके वापस से प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो बेसिक ऑपरेशन कूलिंग टावर का यही है कि वो हीट वाला पानी जो रहता है उसको कूल डाउन करता है। और ये नावाडेज ये कूलिंग टावर काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अभी इंट्रोडक्शन, कूलिंग टावर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी केमिकल प्लांट। द प्राइमरी टास्क ऑफ कूलिंग टावर इज़ टू रिजेक्ट हीट इनटू एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया कि कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो हीटिंग वाला पानी है उसमें से हीट रिजेक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, और पानी कूल डाउन होता है और वापस प्रोसेस में यूज़ होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो सेंसिबल एंड लेटेंट हीट की मदद से होता है। तो सेंसिबल हीट में क्या होता है कि ओनिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एयर, एंड लेटेंट हीट ओनिंग टू वेपोराइजेशन ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर। तो ये जो दो प्रोसेस है उसकी मदद से कूलिंग होता है। टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, नेचुरल ट्रैप एंड मैकेनिकल ट्रैप। नेचुरल ट्रैप के बारे में बताऊंगा तो वो बहुत बड़ा चिमनी टाइप रहता है और वो कंक्रीट से बना हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पे पावर प्लांट रहता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा चिमनी जैसा दिखता है, तो वो जो रहता है वो नेचुरल ट्रैप कूलिंग टावर है। और मैकेनिकल ट्रैप में क्या होता है कि फैन की मदद से उसको जो वाटर ड्रॉपलेट रहता है उसको सक करके और थ्रू सर्कुलेशन उसमें से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो रहता है वो मैकेनिकल ट्रैप टावर रहता है। मैकेनिकल ट्रैप टावर्स, उसमें भी काफ़ी सारा अरेंजमेंट है। तो काउंटर फ्लो इंड्यूस ट्रैप, दूसरा है कि काउंटर फ्लो फोर्स ट्रैप और क्रॉस फ्लो इंड्यूस ट्रैप। अभी इंड्यूस ट्रैप में क्या होता है कि कूलिंग टावर के ऊपर फैन रहता है, और फोर्स ट्रैप में क्या रहता है कि कूलिंग टावर के नीचे फैन रहता है, उसमें फोर्स देते हैं और इंड्यूस ट्रैप में उसको सक करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल ट्रैप है ये कैटेगरी में आता है। आप इमेज में देख सकते हो कि जो पहला इमेज है उसमें इंड्यूस ट्रैप काउंटर फ्लो वाटर फिल टावर है। उसके बाजू में जो दूसरा इमेज है उसमें इंड्यूस ट्रैप काउंटर फ्लो टावर विथ फील्ड्स है। तीसरा है इंड्यूस ट्रैप डबल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। उसके बाजू में इंड्यूस ट्रैप सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। पाँचवा है फोर्स ट्रैप कूलिंग काउंटर फ्लो टावर, और हाइपर फ्लो भी काउंटर फ्लो नेचुरल ट्रैप टावर जो पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो ये अलग अलग टाइप का फ्लो के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से कूलिंग टावर का अरेंजमेंट रहता है, जो आप इमेज में देख सकते हो। अभी लॉसेस, अभी कोई भी प्रोसेस है उसमें थोड़ा तो लॉसेस रहता है। तो लॉसेस रहता है कि एक तो रहता है ईवेपोरेशन लॉस, तो उसका इधर हमने कैलकुलेशन दिखाया है। दूसरा रहता है कि ब्लो डाउन लॉस। तीसरा रहता है ड्रिप लॉस। टोटल मेकअप वाटर इज इक्वल टू ईवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लो डाउन लॉस प्लस ड्रिप लॉस। अभी आपको मेकअप वाटर कितना करना है तो ईवेपोरेशन लॉस, ब्लो डाउन लॉस और ड्रिप लॉस में से आपको पता चलेगा। दूसरा है साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द रेशियो ऑफ द डिजॉल्व सॉलिड इन सर्कुलेटिंग वाटर टू डिजॉल्व सॉलिड इन मेकअप वाटर। ड्रिप लॉस इन कूलिंग टावर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर ड्रिप प्रॉब्लम इन कूलिंग टावर। नावाडेज मोस्ट ऑफ एंड यूजर स्पेसिफिक कैन कॉल फॉर 0.02% ड्रिप लॉस। अभी ड्रिप लॉस क्या होता है कि जब कूलिंग टावर का फैन सक करता है तो उसके साथ काफ़ी सारा पानी का ड्रॉपलेट भी वेपोराइज हो जाता है। तो उसके क्या होता है कि हमारा जो वाटर रहता है कूलिंग टावर में, वो ड्रॉपलेट की मदद से वो बाहर
एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो अपना जो मेकअप वाटर है उसको ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, तो ये अपना ड्रिप लॉस हो गया। अभी परफॉर्मेंस, अभी हम देखेंगे कि रेंज क्या है, अप्रोच क्या है। तो रेंज, हॉट वाटर टेम्परेचर इन माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट, तो ये रेंज हो गया। और अप्रोच, कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये अपना अप्रोच हो गया। अप्रोच मतलब कि हम इतना कूलिंग टावर का टेम्परेचर ले सकते हैं, और रेंज तो अपना कूलिंग टावर का रेंज इतना है, ये आपको रेंज और अप्रोच से पता चलेगा। रेंज, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर वाटर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर। अप्रोच इज द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड एम्बियन बल्ब टेम्परेचर। ऑल द बोथ रेंज एंड अप्रोच शुड बी मॉनिटर, द अप्रोच इज बेटर इंडिकेटर ऑफ कूलिंग टावर परफॉर्मेंस। मतलब कि आपको अप्रोच से पता चलेगा कि आपका कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस कितना है। कूलिंग कैपेसिटी इज द हीट रिजेक्टेड इन किलो कैलोरी पर आवर और टीयर, गिवन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको कूलिंग टावर का कैपेसिटी कैसे पता चलेगा, तो ये जो कैलकुलेशन रहता है उसके बारे से आपको कूलिंग टावर का कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो आपने वीडियो देखा है उसका मैं PDF लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आपको किसी को प्रॉपर रीड करना है तो आप डाउनलोड करके भी उसको रीड कर सकते हो। ये पूरा बेसिक था, काफ़ी सारे डिटेल में भी कूलिंग टावर में आता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है और बेसिक नॉलेज है, तो आप इतना नॉलेज लेके भी आप थोड़ा थोड़ा कूलिंग टावर के बारे में जान सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।